जी बहुत कमाल गाना आ गया। क्यों? प्लाजो हाँ, क्योंकि जो आंसर। पार्ट वन था ना, पार्ट टू हाँ आया, पार्ट वन जो है ना वो हाँ बहुत ही मज़ेदार गाना था। अच्छा, हाँ, और जो आर्टिस्ट कलिंदर हैं, बिल्ला हाँ तो जी, है उनके ही, गाने कमाल हमेशा था। अच्छे हाँ, होते हैं, साथ में शिवजोत भी हैं। मजा ही हाँ होते जी, हैं। हिमांशी खुराना, देखते हैं कैसा है गाना। ये प्लाजो तो नहीं है, ये तो कुछ और ही पहना हुआ है मैंने। कातल अदावा कुड़ी गन वर्गी करती गलो फिरे चन वर्गी, कातल अदावा कुड़ी गन वर्गी करती गलो फिरे चन वर्गी, होना है हलाके अज रोड रोमियो, होना है हलाके अज रोड रोमियो, तैनू तक तक के जो रेस मार दे, आए, तेन तक तक के वाह रेस जेड़ा मारता है। वाह, वाह। प्लाजो तो एक ने भी नहीं पहना नहीं हुआ नहीं है ना। हाँ, हाँ जब लग रहा पहनने की तरह। अरे रंग कितने अच्छे हैं, चारों के हैं, पांचों के रंग बड़े दुरुस्त हैं। सब मिलेंगे पहनने ये जो बल्कि हिमांशी ने जो पहना हुआ, इस रंग का हम डोरे लगवाते थे। आ गया बिल्ला। यार इसका कितना अच्छा है। ये प्लाजो है। अच्छा, फुक तेरी सोनी है दुनारी वर्गी, रोग तेरा रोंद दिनी फेस मार दे, क्या बात है। बूट देखो उसके, हाँ, मैचिंग किए हुए हैं। एक और कलर का है दूसरे कलर हाँ, का। ये सबसे पहले मेरे ख्याल में वो वहां से मशहूर हुआ था। अक्षय कुमार का जो बेटा है ना, उसने ये, ट्रेंड शुरू किया था, हाँ, शुरू एक जूता किया। और दूसरा और। हाँ, वहां से वायरल हुआ था। ये करने वाले हाँ, काले में। अब आ गया प्लाजो। अब उन्होंने कह दिया कि शरारा भी है बीच में, सिर्फ प्लाजो नहीं है। क्या बात है। दुगनी ग्रेस मारता है। हाँ, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत मजे का, जबरदस्त। पहला बहुत वाला ही, मजे का, ये बहुत क्या मजे कह रहे का। हैं, आगे कहाँ ले सत गया। श्री अकाल भाई जी, तीसरा तीसरा भी भी आएगा। आएगा। जी, थोड़ी दोनों ही तवज्जो नूं देख के जमा ही नहीं लगता भी तुसीं गाए हुए हो, खास करके थोड़ा तो जमा नहीं लगता। अच्छा, वो शादी हुई थी उनकी वगैरह जी, तुहानूं वेख के तो लगता ही नहीं कि तुसीं इनके ब्याहे। हाँ, खूबसूरत, क्या बात है। बहुत अच्छा, पहला वाला भी कमाल था, ये तो उन्होंने और भी ज्यादा कमाल, ऊपर से कलरफुल, इनके उसकी जो सारी वो वीडियो जो बनी हुई थी, क्या कमाल। बहुत हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, कलरफुल। मेरे ख्याल में वो जो मैं जो बात कर रहा था ना, वो जो उसका बेटा, उससे पहले मेरे ख्याल में जेडन स्मिथ ने किया था, वो है विल स्मिथ का बेटा, अच्छा, तो उसने शायद पहली दफा किया था, या मुझे कोई शायद हो सकता है। एक और जूता दूसरा हाँ, और। उसके बाद फिर उसने किया, तो वो फिर काफी यानी कि न्यूज में आया था कि यानी कि एक पहले वो कैसे गलती से किया, फिर उन्होंने कहा कि ये फैशन है, वो इस तरह की कोई चीज़ हुई थी, तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ से फिर इन्होंने भी आइडिया लिया होगा। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया जी। गाना प्लाजो टू एक देखें। जमाने में ना मेरी दादी ने जो सुनाया था मुझे वो किस्सा, मैं कहा शायद तो आपकी दादी ने भी दो इस तरह उल्टे पुल्टे जूते मतलब पहने थे। वो दादी समझ लो, अच्छा। क्योंकि मलका विक्टोरिया दादी की उम्र की होगी मारे, क्यों उन्होंने गलती से,
किसी महफिल में दो जुराबे अलग अलग पहन ली थी, अच्छा वो अच्छा फैशन हो गया था सॉक्स। तो आपको ये किसने बताया कि गलती से? मेरी दादा ने उस वक्त उसने फैशन ट्रेंड चलाया नहीं तो वही बात कर रहा हूँ, वो बल्कि वो कहती होगी वो मर गई, नहीं तो होगा आगे उसने बताना था आपको, बड़ी गलती कह रही है, उसकी गलती निकालने वाली बैठी हुई है यहाँ पे। उसने कब्र से बाहर आके कह रहा था मैंने फैशन निकाला, मैं ट्रेंड ऐसे सेटर, होगा। विल तुसी स्मिथ का कहने होते बेटा, हो क्या नाले? विल हाँ स्मिथ का बेटा गलत से पहन आया होगा तो फैशन बन गया, ट्रेंड विक्टोरिया की इस टाइम पे आत्मा जो है ना, इस टाइम पे भटकना शुरू हो चुकी होगी, ढूंढने लगेगी आपको। अब उसको तो शांति नहीं मिलेगी जब तक वो आपको ये कहेगी नहीं बताएगी कि मैंने तो ये ट्रेंड मैंने खुद निकाला था, खुद चॉइस करके मैं चूज करके गई थी, ये वाली दूसरी ये वाली दूसरी। आप कहती हैं ले गलती से, ला जी प्लाजो 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 हो ही पई जे, प्लाजो 2 आ गया, बहुत जबरदस्त गाना, देखें इंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रब रखा। अल्लाह।